नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। और अब बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। दुनिया भर में कोरोना का कहर, कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 10 लाख के पार। अब तक 7,53,000 से अधिक लोगों की मौत। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 48,000 के पार। कोरोना के अब तक 17 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना की उल्टी गिनती शुरू। देश में वैक्सीन के ट्रायल का पहला फेज पूरा, सितंबर में दूसरा फेज हो सकता है शुरू। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या हुई 59,000 के करीब। अब तक कोरोना से 840 से ज्यादा लोगों की गई जान। पीएम मोदी ने तोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड। मोदी बने लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी पीएम। 15 अगस्त को भी रचेंगे एक इतिहास। 7वीं बार लाल किले से करेंगे ध्वजारोहण। 15 अगस्त को लेकर लाल किले पर तैयारियां पूरी। लाल किले के आसपास बनाई सिक्योरिटी रिंग। मुस्तैद 4,000 सुरक्षा कर्मियों को किया तैनात। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ चला रहा ऑपरेशन अलर्ट अभियान। स्वतंत्रता दिवस पर घुसपैठ रोकने के लिए विशेष चौकसी। बीएसएफ डीजी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह में संभव। कई राज्यों में फॉर्म किए जारी। झांसी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। घटना के बाद वाहन चालक फरार। हाथरस के गांव सीधामई में शराब पीने के चलते 3 युवकों में हुआ विवाद। विवाद इतना बड़ा कि एक युवक को मार दी गोली। युवक की हुई मौके पर मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस को कार से मिली 60 लाख की स्मैक। 9 लोगों को भी किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। रामपुर में किशोरी को अगवा कर फरार होने का प्रयास करने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने किशोरी को सकुशल किया बरामद। बिहार बाढ़ में 77 लाख लोग प्रभावित। 5 राज्यों में हैवी से मध्यम बारिश का अलर्ट। बिहार में 22 नदियां उफान पर। एमपी, यूपी और मुंबई में बारिश का अलर्ट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी। राजधानी हुई पानी पानी। झमाझम बरसात से सड़कें बनी दरिया। कई कच्ची बस्तियों और बाजारों में भरा पानी। नगर निगम और आपदा प्रबंधन की खुली पोल। खबर टोंक के देवली में तेज बारिश के चलते बीसलपुर डैम का जल स्तर 312.89 आरएल मीटर। पिछले 24 घंटे में 7 सेंटीमीटर पानी की आवक। सीएम अशोक गहलोत, सरकार ने जीता विश्वास मत। सदन में विश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से हुआ पारित। 21 अगस्त तक सदन की कार्यवाही स्थगित। विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के बाद सीएम गहलोत ने विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र का खुलासा हो गया, सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मीडिया से हुए रूबरू। पायलट बोले, सदन के अंदर सरकार ने विश्वास मत जीता। कांग्रेस के विधायकों ने एकजुटता का दिया संदेश। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में हुई सुनवाई। अब सोमवार को आएगा हाईकोर्ट में फैसला। झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निकाली गई रैली। जिला कलेक्टर यूडी खान भी हुए रैली में शामिल। बारिश के बावजूद भी उत्साह के साथ निकाली गई रैली। भरतपुर में तेज बारिश के चलते मकान की छत गिरी। हादसे में 5 लोग गंभीर घायल। जिला आरबीएम अस्पताल में कराया गया भर्ती। पादुकोलान के थावला में उचित मूल्य की दुकान पर बाटा काला और बदबूदार गेहूं। उपभोक्ताओं ने राशन डीलर को सुनाई खरी खोटी। वहीं राशन डीलर अनिल शर्मा ने कहा, आगे से ही गेहूं आ रहा है खराब। उच्च अधिकारियों को कराया अवगत। भरतपुर में प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर हुई समीक्षा बैठक। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने ली बैठक। प्रशिक्षण केंद्र संचालक करने को लेकर दिए निर्देश। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भीलवाड़ा के बाजार तिरंगों और अन्य सामानों से सजे। कोरोना के कारण खरीदारों की कमी से दुकानदार परेशान होते दिखे।
रानीवाड़ा के वरवड़ बांध में लीकेज होने की खबर, ग्रामीणों ने की थी लीकेज की मरम्मत की मांग, समय रहते लीकेज की नहीं हुई मरम्मत। 2017 में फूटा था वर्धर बांध, किसानों को हुआ था लाखों रुपए का नुकसान। पाली के सुमेरपुर की तख्तगढ़ नगर पालिका में 5 साल में 16 ईओ बदले, भाजपा और कांग्रेस की सरकार में ईओ के एपीओ होने का सिलसिला जारी, राजनीति का शिकार होते नजर आ रहे ईओ। पाली में बॉयलर हादसा, एक श्रमिक की गई जान, 24 घंटे बाद मलबे में मिला शतविजय शव, फैक्ट्री प्रबंधन बन रहा अनजान। बूंदी में अधिकार दिवस मनाया गया, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से कलेक्टर को दिया ज्ञापन, प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। जोधपुर के ओसियान में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली, रोजगार दो अभियान के तहत निकाली गई रैली, राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, युवाओं को रोजगार देने की मांग। झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होगा किसी का सम्मान, जिला स्तर और उपखंड स्तर पर नहीं होगा किसी का सम्मान, जिला कलेक्टर यूडी खान ने इस संदर्भ में आदेश किए जारी, स्कूली बच्चों को भी कार्यक्रमों से रखा गया दूर। बूंदी जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने 15 अगस्त की तैयारियों का लिया जायजा, व्यवस्थाओं का जायजा ले आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के सांभर में लगातार कोरोना के केस आ रहे सामने, व्यापार महासंघ ने क्षेत्रों के बाजार बंद करने का किया ऐलान, प्रशासन ने आमजन से कोविड 19 की गाइडलाइन पालना करने की अपील। अजमेर में चल रही सिग्मा अब नए रूप में दिखेगी, 13 सिग्मा वाहनों पर लाइट सहित माइक लगाए गए, नए वाहनों को एसपी कुंवर राजदीप ने कलेक्ट्रेट परिसर से किया रवाना। बांदीकुई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन चालू, फिर भी नहीं हो पा रही सोनोग्राफी, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानी। भरतपुर में चलाया जाएगा नशा मुक्ति अभियान, 15 अगस्त से होगी शुरुआत, एडीएम ने अभियान को लेकर की बैठक, नशे में बचाव के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 35 किलो से अधिक अफीम जब्त, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बारा में मंदिर के भूखंड पर अतिक्रमण मामला, निजी अस्पताल पर अतिक्रमण का आरोप, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी लगाया आरोप। मानसूर तहसील कार्यालय हुआ ऑनलाइन, डिजिटल इंडिया के तहत हुआ ऑनलाइन, एसडीएम राकेश मीणा ने ऑनलाइन कक्ष का किया उद्घाटन। सीकर के फतेहपुर में चाचा भतीजे ने खूनी संघर्ष, चाचा ने अपनी पत्नी से किया झगड़ा, झगड़े के बाद पत्नी गई पीहर, समझाइश करने पर चाचा के घर पहुंचा भतीजा, दोनों में हुई आपसी कहासुनी, चाचा ने भतीजे की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या। कोटा में सरकारी राशि के गबन का मामला, पुलिस ने आरोपी रवि शुक्ला को किया गिरफ्तार, 20 लाख रुपए का गबन है मामला, ई मित्रों के बिजली पानी के बिलों में किया था फर्जीवाड़ा। कोटा के महावीर इलाके में मकान के अंदर तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी का मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 को किया गिरफ्तार, पुलिस 7 बदमाशों को पहले कर चुकी है गिरफ्तार। अजमेर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन, अभिभावक संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राजसमंद के पियावाड़ी क्षेत्र में तेंदुओं के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल, वन विभाग के कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप, मवेशियों को तेंदुए बना रहे शिकार। झुंझुनू में किसान महासभा ने किया प्रदर्शन, गुड़ा मोड़ पर किया प्रदर्शन, किसान नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाने का आरोप। धौलपुर में बाड़ी पुलिस की कार्रवाई, अवैध शराब की 3 पेटी और हथियार को किया जब्त, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अजमेर के पीसांगन में विद्युत विभाग की टीम के साथ अभद्रता, वार्ड 3 में कार्रवाई करने पहुंची टीम से की अभद्रता, तो वहीं टीम ने पुलिस की मौजूदगी में काटा अवैध कनेक्शन। दौसा के बालाजी पीजी कॉलेज में चोर ने मचाया उत्पात, कॉलेज परिसर में की तोड़फोड़, कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण किए पार। धौलपुर में सरकारी कर्मचारियों ने मनाया अधिकार दिवस, जिला कलेक्टर को पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग। चैनल बाढ़ के चलते बनाया गया था स्केप चैनल, नोक में चोरों की भेंट चढ़ा करोड़ों का लागत से बना स्केप चैनल, चोरी की घटना के बाद मूक दर्शक बनी पुलिस, स्थानीय लोगों में आक्रोश। भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी, जिला स्तरीय समारोह में संभागीय आयुक्त होंगे मुख्य अतिथि, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा विशेष ख्याल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुमेरपुर में आयोजित होगा समारोह, इस बार नहीं किया जाएगा किसी को सम्मानित, पौधारोपण कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। भरतपुर स्थापना दिवस पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन, लोहागढ़ विकास परिषद की ओर से किया गया विमोचन, जिला कलेक्टर भी रहे मौजूद। पाली के मारवाड़ जंक्शन में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, राणावास स्टेशन क्षेत्र में फांसी लगाकर की आत्महत्या, मानसिक तनाव से पीड़ित था युवक। एवन तेज में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एवन टीवी, नमस्कार।